आपनंकु स्वागत सेफालिस रेसिपी के। आज आम बनैबा बहुत ही चटपटा आउ टेस्टी दही बैगण। तो चलतु आज चटपटा रेसिपी स्टार्ट करिबा। दही बैगण पाई मु चारिटा एई साइज रो बैगण को मझीरु चारि भाग करिके काटी नेइछि। दही बैगण पाई आपण बड़ बड़ बैगण व्यवहार करेनी, छोट छोट बैगण ही यूज करेंगे आ टेस्ट बहुत ही भल आसता है। स्वाद हिसाब से लुण या अध चामच ठू टे कम लुण बैगण उपरे टिके छिंची देकी आउ गोटे गोटे करके सबु बैगण भितर टिके टिके लुण पसईकी लुण को भलसे बैगण से लगे कि 5-10 मिनट रखिकी तापर छाणीबा। आउ एठी मु 250 ग्राम फ्रेश दही नेइछि, गोटे चामच सोरिष आउ किछि भृसुंग पत्र नेइछि, आउ दीटा कंचा लंका को मझिरु काटि नेइछि। आपण निज हिसाब रे कंचा लंकार परिमाण कम या बेसी करि पारिबे। आउ दीटा सुखिला लंका नेइछि। बैगण छाणीबा पाई मु आगुरु तेल गरम करि नेइछि। एबे गोटे गोटे करिके सबु बैगण को पकेइ दबा। आपण चाहिले कम तेल रे बैगण को भाजी भी पारिबे। आपण को जो परि भाबरे पसंद आपण सेई परि भाबरे बैगण को बनेइ पारिबे छाणीकी या भाजीकी। बैगण होइगलाणी एबे आकु काढ़ी दबा। जदि आपण जानी नहांती ताले मु कही दोउची बैगण एहिपरि भाबरे ब्राउन कलर होइगला माने बैगण छाणी हो जाइछि। आपण सेतबळे आकु काढ़ी देबे। बैगण पूरा रेडी हो जाइछि। एबे आकु ठंडा करिनबा। चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। दही बैगण टिके मीठा हेले बहुत ही भल लगी थाए, सेथि पई मु 3 चम्मच चीनी दौची। दही बहुत ही फ्रेश अच्छी सेथि पई बेसी चीनी रा व्यवहार हबनी। जदि आपण को मीठा पसंद नुआ ताले आपण न पकेई भी पारंती। एबे स्वाद हिसाब रे लुण या अध चम्मच लुण बहुत ही टिके कड़ा लुण पकेई सबको भल भाव मिसेई नबा। सबको भल भाव मिसेकी थे टेस्ट करे चीनी आउ लुणर परिमाण ठीक अच्छे कि नहीं, नहले आउ टिके भी आपण पकई पारती जार कमी थी। एबे गोटे छोट चामच जीरा लंका गुंड आउ गोटे छोट चामच चाट मसाला पकई दबा। आ द्वारा दही बैगण बहुत ही चटपटा बनी थाए। सबको भल भाव मिक्स करके रखिद पानी मु गोटे छोट पैन नेइछि। एबे एथिरे 2 चम्मच रिफाइन तेल पकई दबा। तेल गरम हेला परे एथिरे 2टा सुखिला लंका आउ सोरिष पकई दबा। सोरिष भलसे फुटी आसला परे एथिरे आमे भृसुंगा पत्र आउ कंचा लंका पकेई सबु को थरे मिक्स करिकी सांगे सांग गैस बंद करि दबा। एबे आकु गोटे मिनट ठंडा हवा पई छाड़ी दबा। आपण सांगे सांग छुंक को दही रे पकेइबेनी, नहले दही फाटी जिबार संभावना थाए। एबे गोटे गोटे करिकी सबु छणा जाइथिबा बैगण को दही रे भल भाव मिक्स करिकी रखि दबा। छुंक टिके ठंडा हो गलाणी। एबे आकु दही रे ढाळिकी सबु को भल भाव मिसेइ नबा। सबु भलसे मिक्स हो जाइछि आउ आमर चटपटा दही बैगण बनिकी रेडी हो जाइछि। आपण एही परि भाबरे थरे दही बैगण बनैकी देखंतु। आपण को बहुत ही पसंद आसीबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।